हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और भट्टी और भाटा की सब्जी रेसिपी। देखिए किस तरीके से मैंने बनाई है। यहाँ पर लिए मैंने कढ़ाई में तेल, मैंने सब्जियों को कटिंग कर ली है। देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी आलू को। पहले मैं आलू को फ्राई करके निकाल लूंगी। देखिए फिर इसको अच्छे से चम्मच की मदद से सभी साइड मिला देंगे। तेल जब ज्यादा अच्छे से गर्म रहता है तभी आलू को डालें, नहीं तो आलू चिपकने लगता है। देखिए इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाते हुए आलू को अच्छे से भून लेंगे। देखिए आलू अच्छे से भुंजा गया है तो इसको मैंने एक बर्तन में निकाल ली है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ लहसुन, प्याज, कच्चा मिर्ची, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी हींग पाउडर। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब ये इस तरीके से हल्का भून जा जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बरबट्टी। देखिए एक साथ भूंजने पर आलू के साथ उतने अच्छे से नहीं भून जाता सब्जी, इसलिए मैंने आलू को अलग से भूंज के निकाल ली है। आप चाहे तो एक साथ भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आलू को अलग से भून देने से बरबट्टी अच्छे से भून जाता है। इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाते हुए बरबट्टी को अच्छे से भूंजेंगे। जैसे जैसे बरबट्टी अच्छे से भून जाती जाएगा उसका कलर टेक्सचर चेंज होते जाएगा। देखिए देखिए बरबट्टी इस तरीके से भून जा गया है। तब मैं इसमें डाल दूंगी भाटा और साथ में भून लेंगे भाटा और बट्टी को। इस तरीके से भाटा को भी मिक्सअप कर देना है। देखिए इस तरीके से बीच बीच में चम्मच चलाएंगे, नहीं तो सब्जी नीचे चिपकता है। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरीके से जब भाटा हल्का पकना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं भाटा किस तरीके से चेंजेस हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो आलू मैंने फ्राई का ही, अब इसको भी अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। और इसमें अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर भून लेंगे और सभी को। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ टमाटर। मैंने टमाटर को कटिंग कर ली है और सभी सब्जी अच्छे से भुंजा भी गया है तो टमाटर डाल करके मैं इस तरीके से टमाटर के साथ पकाऊंगी। सभी को मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। देखिए टमाटर को थोड़ा नीचे कर दे तो टमाटर अच्छे से पकेगा। थोड़ी देर बाद बीच बीच में और चम्मच चला देंगे। इस तरीके से टमाटर जब हल्का पकना शुरू हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाला स्वाद अनुसार, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेथी पाउडर। आप चाहे तो मेथी हो सूखा तो उसको भी डाल सकते हैं। अब चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इस तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक करके मैं पका लूंगी।
देखिए जब सब्जी इस तरीके से पक गया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। थोड़ी देर और ढककर पका लेंगे फिर ऐड करेंगे पानी। देखिए जैसे जैसे सब्जी पकते गया है उसका क्वांटिटी है कम होते जाता है। अब चाहे सूखा बनाने का मन है तो सूखा भी रख सकते हैं, लेकिन पानी डालने से सब्जी अच्छे से पकता है। तो मैं यहाँ पास पानी डालकर सभी सब्जी को अच्छे से पकाऊंगी। पहले सभी को चम्मच की मदद से इस तरीके से मिला लें, फिर इसको मैं ढक करके पका लूंगी। देखिए मैंने सब्जी को ढक करके अच्छे से पका ली है और सब्जी अच्छे से देखिए डबक रहा है। इसको इसमें मैं चम्मच चला दूंगी। देखिए थोड़ा सा और रसा है तो थोड़ी देर में और इसको पका लूंगी। सब्जी में हल्का रसा रखना है इसलिए थोड़ी देर ये और पकने देंगे। फिर मैं इस तरीके से